सब्सक्राइब कीजिए ममता जौहरी ब्लॉग्स चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त ममता जौहरी। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग बना रहे हैं दिलखुश कटहल, जिसे खा के आपका दिल खुश हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। दोस्तों, कटहल बहुत बड़े दल का ना लें, कटहल मीडियम साइज का हो ताकि उसके दल भी छोटे होंगे, और पीस सफाई के साथ काटें, चिकने और एक साइज के। मेरा ये 500 ग्राम कटहल है। आइए अब कटहल को फ्राई कर लेते हैं। पावर ऑन कर लेती हूँ। अब कढ़ाई में मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देती हूँ। तेल गर्म हो जाए। मेरा तेल गर्म हो रहा है। अब आधे चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। अब मैं कटहल डाल रही हूँ। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं कटहल के एक साइज के पीस। बस इसको अलट पलट कर लेते हैं, हल्दी का रंग सब कटहल पे अच्छे से लग जाए। अब मैं इसमें आधे चम्मच नमक डाल रही हूँ ताकि कटहल अपना पानी अच्छे से रिलीज कर दे और हमारा कटहल अच्छे से गल जाए। और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। कटहल के अंदर हल्दी और नमक अच्छे से पहुंच जाए, कलर भी अच्छा आ जाए, इसके लिए ये मसाले इस समय मैं यूज़ कर रही हूँ। आज हम लोग बना रहे हैं दिलखुश कटहल, जिसको खा के दिल खुश हो जाए। आप देखिए मेरी रेसिपी, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब मैं इसमें पानी के छींटे दे रही हूँ। पानी के छींटे देने से सभी मसाले कटहल के अंदर भी पहुँच जाएंगे और कटहल को गलने में भी आसानी होगी। सभी मसालों को अच्छे से कटहल पे लग जाएं और हम अपना कटहल अब ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। देखिए दोस्तों, कटहल का रंग कितना प्यारा आया है, हल्का बसंती रंग आया है। सभी कटहल में अच्छा सा प्यारा रंग आया है और मेरा कटहल बिल्कुल गल गया है 5 ही मिनट में। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। हमारा कटहल पहले ही गल गया है, अब हमें गलाने के लिए अलग से एफर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी कढ़ाई में मैं दोबारा तेल डाल रही हूँ, लगभग 1.5 टेबल स्पून। अब मैं इसमें मेथी दाना डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून। यह है लौंग, 5 लौंग हैं, 2 बड़ी इलायची और 10 से 12 काली मिर्च। ये मैंने कूट लिया है और 2 से 3 तेज़पात हैं जिनको मैं भून ले रही हूँ। अब यह है प्याज, लहसुन 10 से 12 कली और 4 से 5 हरी मिर्च, 1 बड़े साइज का प्याज है। ये मैंने चॉप कर लिया है जो मैं डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से भून लेते हैं ताकि प्याज अपना पानी अच्छे से रिलीज कर दे। अब मैं 2 इंच का टुकड़ा अदरक का कद्दूकस किया हुआ डाल रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा नमक 1 पिंच, ताकि प्याज अच्छे से अपना पानी छोड़े और जल्दी से भुन जाए। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अच्छे से भूनिए। देखिए मैं अच्छे से भून रही हूँ ताकि प्याज अच्छे से अपना पानी छोड़ रहा है और उसी में भून रहा है। 1/2 चम्मच हल्दी, लगभग 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। अब मेरे मसाले देखिए अच्छे से भुन गए हैं, 5 मिनट मैंने भूने हैं। अब मैं इसमें रोगनी मिर्च डाल रही हूँ अच्छे रंग के लिए, और थोड़ा सा पानी ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं रोगनी मिर्च के साथ, और थोड़ा सा नमक। नमक को बैलेंस करके डालना है क्योंकि हमने फ्राई करते समय भी डाला था और थोड़ा सा प्याज में भी डाला था, इसलिए नमक को बैलेंस बना के डालें। बस भूनते रहें, थोड़ा सा हल्की फ्लेम पे भूनें। यह है 1 शिमला मिर्च और 1 छोटी कटोरी मटर के दाने। ये मटर मेरी फ्रोज़न है,
मसालों के संग इनको अच्छे से मिक्स कर दें। देखिए कितना अच्छा लग रहा है मेरा मसाला। अब मैं इसमें अपना कटहल डाल लेती हूँ। बस अच्छे से मिक्स कर दीजिए। थोड़ा सा पानी डालनी हो। ये सब्जी लगी लिपटी बननी है, इसलिए मसाले कटहल में अच्छे से लिपट जाएं, चिपक जाएं, इसलिए हम थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कटहल तो हमारा पहले ही गल चुका है, बस थोड़ा सा दम दे रहे हैं ताकि मसाले अच्छे से कटहल में पहुंच जाएं। देखिए सब थोड़ा सा भून लेते हैं। कटहल देखिए मेरा एकदम गल गया है। मैं आधे चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ, कटा हुआ हरा धनिया, इसे धो के मैंने अच्छे से काट लिया है। बस अब फ्राई करना है, अब भूनना है इसको। थोड़ा सा भून लेते हैं। अब मेरी सब्जी दिलखुश कटहल सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। मेरा ये दिलखुश कटहल बहुत ही जायकेदार और स्वादिष्ट बना है। जब भी आप मेरे स्टाइल से दिलखुश कटहल बनाएं, कटहल छोटे साइज का लें, फ्राई करते समय ही 80% तक गला लें और बाद में 20% मसाले के संग पक जाएगा। मटर, शिमला मिर्च थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकती हैं। आपका दिलखुश कटहल भी मेरे जितना ही स्वादिष्ट बनेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। Thanks for watching.